प्रिया तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है वे अगले सप्ताह आ रही हैं। उनके साथ विभू और छवि भी आ रहे हैं। वाह हम सब खूब खेलेंगे लेकिन माँ यह पत्र क्या होता है पत्र वह साधन है जिसमें हम लिखकर अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो हमसे दूर रहते हैं हम अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं माँ हम मोबाइल से एसएमएस करके और ईमेल से भी तो दूर वाले लोगों को अपनी बात बताते हैं जहाँ मोबाइल और ईमेल की सुविधा नहीं होती वहाँ हमें पत्र ही लिखना पड़ता है परंतु पत्र इतनी दूर कैसे चला जाता है हम पत्र के ऊपर पता लिखते हैं उसे पढ़कर डाकिया पत्र पहुंचा देता है मैं तुम सब को पत्र लिखना सिखाता हूँ जब तुम पत्र लिखना सीख जाओगे तो अपने मित्र या सहेली को या फिर मामा मौसी नाना नानी को पत्र लिख सकते हो जब कभी तुम्हें अपने मित्र या सहेली को संदेश भेजना हो तो तुम पत्र का सहारा ले सकती हो पत्र लिखने के लिए तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए एक पत्र लिखने के लिए पृष्ठ के बाएं सिरे पर अपना पता और फिर दिनांक लिखो जैसे आनंद भवन नाला रोड पटना दिनांक 25 जून दो अगर बड़े हैं तो आदरणीय पूजनीय पूझनी, पूजनीय आदि लिखो और मित्र हो तो प्रिय लिखो जैसे आदरणीय नाना जी, सादर प्रणाम या प्रिय रेखा, नमस्ते अब एक पंक्ति नीचे उतरकर अपना हालचाल लिखो और उनके बारे में पूछो फिर अंत में जो कुछ तुम बताना या पूछना चाहते हो उसके बारे में विस्तार से लिखो चार इसके बाद पत्र समाप्त करते हुए पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपना नाम लिखो जैसे आपकी पोती नयना या तुम्हारी सखी नयना आओ पत्र पढ़ें अपने मामा जी का हालचाल पूछते हुए एक पत्र लिखो तैतीस फैजाबाद रोड लखनऊ दिनांक दो अगस्त आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम हम लोग यहाँ कुशल से हैं आशा है आप सब भी कुशल होंगे मामा जी आप ऑफिस के काम से लखनऊ आने वाले थे अपने आने के बारे में पहले ही बता देंगे तो खुशी होगी और आपकी मनपसंद खीर बनवा कर रखूंगा मामा जी को मेरा प्रणाम कहना नीतू और चुन्नू को प्यार आपका भांजा गौरव